मनाली में हमारा तीसरा दिन है और आज का दिन हम जाएंगे मनाली से लेकर मणिकरण तक। मणिकरण यहाँ से 45 किलोमीटर के आसपास है और रास्ता बहुत ही खतरनाक होने वाला है और उस रास्ते में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। सोलांग वैली, फाइनली मणिकरण पहुँचेंगे सोलांग वैली के बाद और रास्ते में आएंगे वैष्णव देवी टेम्पल, कसोल वैली। और इस टाइम पर हम जो देख रहे हैं ये वैष्णव देवी टेम्पल है, ये मंदिर का एंट्रेंस है जहाँ से मैं अंदर आ चुका हूँ। अब यहाँ से हाथ धो के मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा इस मंदिर में कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ का ये सबसे सुंदर मंदिर है। इस मंदिर पे आप देख सकते हैं हर एक जगह का कलर अलग है, बहुत ध्यान दिया गया है। मंदिर के अंदर सारे चीज़ों का अवेलेबल है, जो भी चाहिए वो तो पूजा से मिलेगा, सब कुछ अंदर ही मिल जाते हैं, बाहर कुछ जाने की जरूरत नहीं है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी बात है कि हर एक स्टोरी में अलग अलग डिजाइन है। जो चार मंदिरा मंदिर नीचे गुफा है, इस गुफा से जाकर शिव का मंदिर आते हैं और इसके अंदर अभी इधर से जाते हैं वैष्णव देवी का मंदिर का वो मेन हिस्सा आ गया है। ये दुर्गा मंदिर है, एक ही मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं की मंदिर आते हैं। और जो आज के जो टूर का सब मुख्य पार्ट है वो है हॉट वाटर स्प्रिंग। वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे एक तरफ आपको ठंडी से मारे जाएंगे और दूसरी तरफ गर्म पानी का कुंड दिखा देंगे। तो इसे देखने के लिए आपकी वीडियो के आखिर तक बने रहिए और मैं आपको वहाँ तक देखा। अब ये मंदिर का सबसे ऊपर अलग स्टोरी है। इस मंदिर में से दो तीन मंदिरें हैं और उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं मणिकरण की तरफ। दोस्तों मणिकरण जाने से पहले हमें रास्ते में मिलेंगे कसोल वैली। कसोल वैली यहाँ का बहुत ही अच्छा टूरिस्ट है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। यह गए हम मणिकरण में देखते गर्म पानी का कुंड में लोग, जबकि यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। मुझे मैं तो ठंडे से मरा जा रहा हूँ, इतना ज़्यादा ठंडा है। बाहर आप देख सकते हैं नहाने वाला कुंड है। इस एरिया में लड़कों के ऊपर जेंट्स के नहाने की जगह है और लेडीज़ का ऊपर है। यहाँ हमारा कपड़ा देख के आप समझ सकते हो कि यहाँ कितना गर्मी है और फिर भी लोग यहाँ पे पानी बिल्कुल बॉयल हो रहा है। ये पहले कुंड का ये पहला हिस्सा है जहाँ पे ये देखिए ये पानी अपने आप उबल रहा है, ऐसा लग रहा है कि नीचे किसी ने आग लगा रखा है। और इस पानी में कुछ चीज़ें बॉयल करके वो यहाँ पे बेच भी रहा है। यहाँ के लोगों का लोकल लोगों का मानना है ये खाने से कोई बीमारी नहीं होता। ये पंडित जी से मैंने यही बात पता किया है इस पानी में। ये आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो बोरियाँ दिख रहे हैं इनको भर के चने भिगो के रखते हैं जो यहाँ पे बॉयल कर रखते हैं और खाने से कोई बीमारी नहीं होता यहाँ के लोकल लोगों का मानना है। सब छोटे बाबा यहाँ पे सबसे बेच रहे और ये जगह चोट से होगा सुंदर दो धर्म का है। यहाँ पे एक सिख टेम्पल भी है, एक गुरुद्वारा भी है और एक शिव जी का मंदिर भी है। फिर छोड़ के यहाँ का राम मंदिर है। ये राम मंदिर बाहर है और यहाँ पे प्राचीन राम मंदिर है जिससे आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ के मंदिरों का सबसे खास बात है जैसे मेरा पहले भी दिखा चुका है, सारे मंदिर देखने में ऐसा लगता है जैसे बुद्ध मोनास्ट्री है, मंदिर को मोनास्ट्री ज़्यादा लगता है। यहाँ का मंदिर बहुत ही अच्छी तरह से ओल्डन डिजाइन से बनाया गया है। आपको लगता है कि कांट का ही बना हुआ है लेकिन एक्चुअल में सारे चीज़ें काट का नहीं है। यह प्राचीन राम मंदिर इस जगह का सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है। बहुत ही बड़ा मंदिर है जिसे वृंदावन में है, मथुरा में बड़ा भाई राम मंदिर। और मणिकरण में आया और राम मंदिर देखा तो कुछ बात नहीं है। सबसे अच्छा देखा जाए क्योंकि अंकल भी बता रहे हैं मंदिर जो है 400 साल पुराना है और काफ़ी इससे भी आपके लिए कुछ काफ़ी उसका कोई उसके बारे में किसी को पता नहीं है। जब तक ये अंकल जी को जहाँ तक पता है वो बोला कि 400 साल पुराना यह मंदिर है। और इस मंदिर के बाद इसके बाद आज का दर्शन पॉइंट रखता है वो है ये आगे जाकर हम मिलेंगे। ये कसोल वैली का रास्ता है, किसी भी जाने का देखने का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है वो होता है वो जर्नी। डेस्टिनेशन जाने के बाद तो सब खत्म नहीं हो जाता है उसके बाद 10 साल। तो आज का जो
हम अभी जाने वाला है अंगरा रेडिक के काम पे, रास्ते पे हमें मिलेंगे मनाली पहुँचने से पहले। और जाने के लिए देख सकते हैं रास्ता कितना खतरनाक रास्ता है, उस जगह पर आने के लिए इसलिए किसी भी गाड़ी को आप हायर करोगे तो ग्रुप में होना ज़्यादा अच्छा है, ग्रुप में रहने से खर्चा थोड़ा कम होता है, वरना यहाँ पे ज़्यादा ही खर्चा नहीं होता। वहाँ से यहाँ तक आने के लिए रास्ता की खराबी की वजह से बहुत जगह पर रास्ता बंद रहता है, लैंडस्लाइड होता रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है। आगे जाके आपको आने वाला है जो लैंडस्लाइड वाला एरिया है, और उसके बाद यहाँ से कसल में आंगरा रेडी के काम है, और वहाँ पे हम आंगरा रेडी के काम उस काम में दस रुपये है, अंदर जाने के बाद बहुत अच्छा नहीं होता हम यहाँ रेडी को देखने का कोई कैसा नहीं है, जिसके साथ आपके लेकर फोटो खींचने का पता नहीं है, तो वो यहाँ से देखने आए तो ये सावधानी जरूर गलत है, जल्दी से फोटो मत खींचते और उसको छोड़ के ये रेलू जो है इनका जो सिल्क है वो अभी काटे गए हैं, हर 70 दिन में इनका जो सिल्क है वो निकालने जाता है, इनके बाल काट के हर 70 दिन में कट लिया जाता है और दोबारा इनके बाल उठ जाते हैं, और इनका सिल्क का जो कपड़े है तो कट मिल रहा है बहुत मिला है, तो आगे शाम किसी के साथ दुकान में तो हमें फायदा ये कपड़ा बहुत ही अच्छा होता है हमारे, और इनके इनके मुताबिक तो ये कपड़ा पहनने से कटिया का बीमारी भी नहीं होता है, तो कहा है तो ये अंगोरा रेडी काम करेंगे, और काम के कागजात बड़े हो गए रेडी का काम थोड़ा कम तो छोटा है इनका दाम उससे डबल है, क्योंकि जो बड़े हो गए हैं उनसे सेल निकाल दिया गया है और जो छोटे हैं उनसे और आगे से निकाला जा सकता है, तो ये आज के लिए आप देखते हैं और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे अब तक।